हेलो गाइस, वेलकम बैक अगेन एंड दिस इज द पार्ट 4 ऑफ चैप्टर 2 फंक्शंस इन पाइथन। इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट स्कोप ऑफ वेरिएबल इन फंक्शन, सो लेट गेट स्टार्टेड। ओके गाइस, तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं और हमारा फर्स्ट पॉइंट है स्कोप ऑफ वेरिएबल्स। सबसे पहले हम लोग ये देख लेते हैं कि स्कोप ऑफ वेरिएबल का मतलब क्या होता है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है। स्कोप ऑफ वेरिएबल रेफर्स टू द पार्ट ऑफ द प्रोग्राम वेयर इट इज विजिबल और एरिया वेयर यू कैन यूज इट। सिंपल सा है, एक आप यहाँ पे छोटा सा प्रोग्राम देख पा रहे हैं, यहाँ पे मैंने दो चीज़ें मेंशन भी कर दी हैं। सिंपल सी चीज़ है, एक वेरिएबल को हम लोग अपने प्रोग्राम में कहाँ कहाँ पे एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, अब जैसे आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, मैंने यहाँ पे लिखा है ग्लोबल वेरिएबल, ठीक है, और इसमें इसको दिया है लोकल वेरिएबल। तो मैं अभी आपको लोकल वेरिएबल और ग्लोबल वेरिएबल के बारे में और भी बता दूंगा। तो सिंपल सी चीज़ है, जो यहाँ पे लिखा है ग्लोबल वेरिएबल, मैं इसको इस फंक्शन के अंदर भी एक्सेस कर सकता हूँ और इस फंक्शन के बाहर भी एक्सेस कर सकता हूँ। ठीक है, तो सिंपल सी चीज़ है, वो वेरिएबल जिसको हम लोग फंक्शन के अंदर और फंक्शन के बाहर दोनों जगह एक्सेस कर सकते हैं, उसको हम लोग ग्लोबल वेरिएबल बोलते हैं। ठीक है, यानी स्कोप ऑफ वेरिएबल का मतलब क्या हो गया, एक वेरिएबल को हम लोग कहाँ कहाँ पे यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो ग्लोबल वेरिएबल को हम लोग फंक्शन के अंदर और बाहर दोनों जगह यूज कर सकते हैं। और अगर मैं बात करूँ लोकल वेरिएबल की, तो लोकल वेरिएबल वो होता है जिसको हम लोग केवल फंक्शन के अंदर ही यूज कर सकते हैं। अगर मैं इस वेरिएबल को बाहर यूज करना चाहूँ, बाहर इसको प्रिंट करना चाहूँ, तो इसका रिजल्ट हमको नहीं मिलेगा। ठीक है, तो ये तो हो गया सिंपल, एक मैंने आपको ब्रीफ इंट्रोडक्शन दिया है और अब हम लोग चलते हैं पाइथन एडिटर पे और वहीं पर चल के देखेंगे कि स्कोप क्या होता है और लोकल स्कोप और ग्लोबल स्कोप, तीन दोनों ही चीजें हम लोग एडिटर पे देखते हैं। ओके, तो हम लोग एडिटर पे आ गए हैं और अगेन मेरे पास यहाँ पे एक छोटा सा कोड लिखा हुआ है। चलिए हम लोग समझते हैं ये ग्लोबल वेरिएबल और लोकल वेरिएबल का क्या मतलब है। ओके, तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे ए इज इक्वल टू टू लिखा हुआ है। ठीक है, तो इस ए इज इक्वल टू टू को मैं इस प्रोग्राम के अंदर भी एक्सेस कर रहा हूँ, मीन्स इस फंक्शन के अंदर भी एक्सेस कर पा रहा हूँ। तो इस ए का मतलब है टू। ठीक है, और जब मैं इस फंक्शन को कॉल करूंगा, लाइक यहाँ पे मैं जैसे कॉल कर रहा हूँ, तो मैं यहाँ पे वैल्यू दे रहा हूँ 5, यानी x की वैल्यू हो गई 5, तो y इज इक्वल टू क्या बन गया अपना 5 प्लस a, यानी 7। ठीक है, तो अब मैं जिसको प्रिंट करूंगा तो देखिएगा आप मुझे क्या रिजल्ट मिलता है। जब मैं इसको प्रिंट करूंगा तो फिलहाल मुझे क्या रिजल्ट मिलेगा, मैं यहाँ पे आपको शो करता हूँ। ये देखिए यहाँ पे मुझको रिजल्ट मिल रहा है 7। ये तो हो गया एक चीज। ठीक है, आगे देखते हैं। अब आपने ये तो देख लिया कि इस वेरिएबल को मैंने इस फंक्शन के अंदर यूज कर लिया। ठीक है, लेकिन अगर मैंने जो वेरिएबल यहाँ पे बनाया हुआ है y, क्या मैं इसको अगर बाहर यूज करना चाहूँ, लाइक मैं यहाँ पे अगर लिखूं प्रिंट y, तो क्या मैं इस वेरिएबल को यहाँ पे यूज कर सकता हूँ। चलिए देखते हैं। तो अब आप ये देखिए यहाँ पे कि जो 7 था पहले, ये आउटपुट तो सही आ गया, बट जो सेकेंड प्रिंट मैंने लिखा है उसमें यहाँ पर क्या एरर आ रहा है, यहाँ पे एरर आ रहा है नेम वाई इज नॉट डिफाइंड। इसका मतलब इस वाले प्रिंट को ये खबर नहीं है, ये इंफॉर्मेशन नहीं है कि वाई कोई वेरिएबल हमारे प्रोग्राम में है भी कि नहीं, क्योंकि ये वाई यहाँ पे जो मैंने बनाया है ये लोकल स्कोप में है। इसका जो यूज ऑफ एरिया है वो सिर्फ इस फंक्शन के अंदर ही है, मैं इस फंक्शन के अंदर ही इसको यूज कर सकता हूँ, इस फंक्शन के बाहर मैं इसको यूज नहीं कर सकता। ठीक है, तो ये तो हो गया आपका सिंपल मीनिंग ऑफ लोकल वेरिएबल एंड ग्लोबल वेरिएबल। ठीक है, चलिए ये हमारा एक पॉइंट कंप्लीट हो गया। ओके, चलिए सेकंड थिंग देखते हैं हम लोग कि अगर मान लीजिए मेरा एक वेरिएबल बाहर है और मैं सेम नेम का वेरिएबल अंदर भी ले लेता हूँ। ठीक है, लाइक मैं यहाँ पे काम करता हूँ, मैं यहाँ यूज करता हूँ ए इज इक्वल टू 10। ठीक है, मैंने यहाँ पे यूज किया ए इज इक्वल टू 10। तो एक वेरिएबल बाहर है और सेम नेम का एक वेरिएबल अंदर है, तो अब ये फंक्शन किस वैल्यू को एक्सेस करेगा, तो अब ये फंक्शन किस वैल्यू को एक्सेस करेगा। तो हमेशा ध्यान दीजिएगा कि अगर सेम नेम का वैल्यू ग्लोबल भी है और लोकल भी है, तो बाय डिफॉल्ट क्या सेटिंग होती है, बाय डिफॉल्ट ये होता है कि फंक्शन में जो लोकल वेरिएबल है वो उसी को यूज करेगा। लाइक अगर मैं अब इस ए की वैल्यू को अगर मैंने 10 दिया है, तो यहां पर वो ए इज इक्वल टू 10 मानेगा। ठीक है, क्योंकि अब उसको अपने पास खुद का एक वेरिएबल बन है उसके पास, तो इसीलिए जब भी हमारे पास अगर सेम नेम का वेरिएबल है, ग्लोबल वेरिएबल की तरह सेम नेम का वेरिएबल है, तो हमेशा वो ग्लोबल को हाइड कर देगा और जो लोकल वेरिएबल है वो उसी को यूज करेगा। तो अब अगर मैं रिजल्ट यहाँ पे चेक करूं, तो पहले आपको रिजल्ट 7 मिल रहा था, बट अब रिजल्ट ये है आपका 5 और ये है आपका 10, तो अब रिजल्ट हमारा चेंज हो जाएगा, अब रिजल्ट हमारा आएगा 15। ठीक है, ये देखिए। ओके, तो यहाँ पे आपको ये समझ में आया कि अगर
मेरे पास एक सेम नेम का लोकल वेरिएबल है जिस नेम का ग्लोबल वेरिएबल है हमारे पास लाइक दिस, तो फंक्शन ग्लोबल वेरिएबल को ही प्रेफरेंस देगा, वो पहले उसी को यूज करेगा जब तक ये है हमारे पास। अगर हमारे पास ये नहीं है इस कंडीशन में तो वो फिर ग्लोबल को यूज करेगा। ठीक है, तो ये हो गया हमारा सेकंड थिंग। चलिए अब देखते हैं थर्ड पॉइंट क्या है। थर्ड पॉइंट की अगर बात करें तो मैं इसी फंक्शन में थोड़ी बहुत एडिटिंग आपके यहां पे दिखाऊंगा कि अगर मैं ये करना चाहूं कि मैं इस लोकल वेरिएबल को ग्लोबल बनाना चाहूं। अभी तक हम लोग क्या कर रहे थे कि लोकल वेरिएबल को फंक्शन से बाहर हम लोग एक्सेस नहीं कर पा रहे थे। ठीक है, मैं अगर आपको यहां पे दिखाऊं, मैं अगर यहां पे फिर से प्रिंट कर दूं ए को तो क्या होगा, क्योंकि ये वैल्यू फंक्शन से बाहर एक्सेस नहीं हो पाती है। तो मैं अगर यहां पे प्रिंट कर रहा हूं तो आप देखिएगा यहां पे मुझे अगेन टू ही मिल रहा है। ये तो ऊपर वाली वैल्यू हो गई पी की, ठीक है, लेकिन जो सेकंड वैल्यू है सेक टू, ये इस ए की वैल्यू है। ठीक है, यहां पे इस ए की वैल्यू है। तो क्योंकि मैं इस ए को अपने फंक्शन से बाहर एक्सेस नहीं कर सकता हूं, इसीलिए यहां पे अभी भी वैल्यू ए की फंक्शन से बाहर टू ही है। बट मैं क्या करना चाहता हूं, मैं यहां पे इस ए को फंक्शन से बाहर यूज करना चाहता हूं, यानी मैं मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे इस ए को ग्लोबल बनाना पड़ेगा। तो ग्लोबल कैसे बना सकते हैं हम लोग, सिंपल यहां पे एक कीवर्ड है ग्लोबल कीवर्ड, ग्लोबल। ठीक है, इस ग्लोबल कीवर्ड की हेल्प से हम लोग इस जो वेरिएबल जो लोकल था उसको मैंने ग्लोबल बना दिया। ओके, अब आप यहां पे देखेंगे कि मैं अगर इसको प्रिंट करता हूं तो इस ए का मीनिंग पहले टू था फंक्शन को चलने के बाद, लेकिन अब इसको मैं एक्सेस कर सकता हूं। किसको, मैं अब इस वाले को ही एक्सेस कर सकता हूं। ठीक है, क्योंकि ये बाद में बनाया गया, तो पहले आपका टू था ग्लोबल, अब मैंने इस ए को ग्लोबल बना दिया है। ठीक है, तो अब मैं जब प्रिंट करूंगा ए को तो मैं इस वैल्यू को एक्सेस कर सकता हूं। चलिए मैं यहां पे आपको फिर से प्रिंट कर दिखाता हूं। ओके, तो यहां पे आप देख पा रहे होंगे ये तो पहली वैल्यू है आपकी पी वाला, पी वेरिएबल का, लेकिन जो सेकंड वैल्यू है वो इस ए की वैल्यू है। ठीक है, क्योंकि अब इस ए वेरिएबल को मैंने ग्लोबल बना दिया है, तो अब आप इसको फंक्शन के बाहर भी एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, तो दिस इज द सिंपल मीनिंग ऑफ ग्लोबल वेरिएबल। ठीक है, सिंपल सा है, ग्लोबल वेरिएबल की हेल्प से हम लोग किसी भी वेरिएबल को ग्लोबल कन्वर्ट कर सकते हैं और उसको फंक्शन के अंदर और बाहर कहीं भी उसको हम लोग यूज कर सकते हैं। ठीक है, सो गाइज अब एक छोटा सा होमवर्क है आप लोगों के लिए। आपकी स्क्रीन पे एक छोटा सा क्वेश्चन दिख रहा होगा, बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन है। आप इस क्वेश्चन को रीड करिए, इस प्रोग्राम को रीड करिए और इस पूरे प्रोग्राम का क्या आउटपुट आना चाहिए जब मैं इस फंक्शन कॉल को कॉल करूंगा यहाँ पे, तो इस प्रोग्राम से मुझे क्या आउटपुट मिलेगा। ठीक है, तो ये आपका होमवर्क है और जो भी आपको समझ में आता है, जो भी आउटपुट आपको समझ में आता है उसको आप कमेंट बॉक्स पे जरूर लिखिएगा। ठीक है, सो गाइस आज के वीडियो में हम लोगों ने देखा स्कोप ऑफ वेरिएबल क्या होता है, लोकल स्कोप क्या है, ग्लोबल स्कोप क्या है एंड व्हाट इज द यूज ऑफ ग्लोबल कीवर्ड। ठीक है, सो आई होप ये पूरा कंसेप्ट आपको अच्छे समझ में आ गया होगा और अगर आपके मन में कहीं भी कोई भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं पूरी कोशिश करूंगा आपको रिप्लाई करने का। और वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय।